अंग्रेजी में कहावत आपने सुनी होगी कि समवन्स पेन इज समवन्स गेन, लेकिन इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन सोचिए कि आरसीबी की टीम जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है, यानी कि क्वालिफायर टू में खेलती हुई नजर आएगी और उनके सामने आरआर की चुनौती होगी। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा हीरो कौन रहा एलिमिनेटर में? ऑफकोर्स आपको लगेगा कि रजत पाटीदार, उनसे बड़ा तो कोई हीरो रहा नहीं। 54 गेंदों में 112 रनों की पारी, 208 रन के स्ट्राइक रेट उनका रहा है जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, और उनसे बड़ा कोई हीरो रहा नहीं, मैन ऑफ द मैच भी बने। लेकिन उनकी स्टोरी इतनी आसान है नहीं। 2021 तक वो आरसीबी के साथ बने थे, लेकिन 2022 के मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने उनको खरीदा नहीं था, और ना सिर्फ आरसीबी ने बल्कि किसी भी टीम ने उनको नहीं खरीदा था, और उनकी जगह पर सिसोदिया जो खिलाड़ी हैं उनको लिया गया था, लेकिन वो इंजर्ड हो गए थे बीच आईपीएल में। उनकी इंजरी होने की वजह से वो रिप्लेसमेंट के तौर पर लेकर आया गया था रजत पाटीदार को, और आरसीबी में उन्होंने ज्वाइन किया दोबारा रिप्लेसमेंट के तौर पर। 20 लाख में वो आए, लेकिन किस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की आप सोच लीजिए कि आरसीबी की टीम ने ऑक्शन में जिस खिलाड़ी से अपना मुंह मोड़ दिया था, उसी खिलाड़ी ने एलिमिनेटर में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को तोड़ कर रख दिया और चैंपियन बना दिया। क्योंकि 112 रन बनाना नवाज, वो भी 54 गेंदों में ईडन गार्डन मैदान पर, जहां पर कि 60-70 हजार लोग मौजूद थे, ये इतना आसान काम नहीं था, लेकिन रजत पाटीदार ने इस चीज को बहुत आसान बना दिया। इसीलिए कहा जाता है कि कई दफा चीजें आपके पक्ष में ना होती हैं, लेकिन कब ऊपर वाला आपको मौका दे रही और कब आप स्टार बन जाए किसी को पता नहीं। और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि रजत पाटीदार को आरसीबी की टीम ने ऑक्शन में नहीं लिया था, लेकिन जब वो टीम में आए यानी कि रिप्लेसमेंट के तौर पर आए, तो उनसे बड़ा आज के दिन में आरसीबी के लिए कोई हीरो नहीं है। और आज सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं कि भाई रजत पाटीदार जैसा खिलाड़ी होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि करियर की शुरुआत अच्छी की है रजत पाटीदार ने, अब एक छाप छोड़ दी है, और ये जो छाप है वो गहरी होनी चाहिए, और आने वाले मैचेस में भी, जो कि आरआर के खिलाफ मैच खेला जाएगा कल, उसमें शानदार इनका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन आपको भी रजत पाटीदार के लाइफ से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और वो कह भी रहे थे कि जब उनको टीम में नहीं चुना गया तो ज्यादा डिप्रेशन में नहीं थे, वो लगातार मेहनत कर रहे थे, भरोसा था कि आज ना कल मौका मिलेगा। इसीलिए अगर आपका दिन अच्छा ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाला दिन आपका अच्छा नहीं होगा। लगातार आप अपने प्रोसेस पर वर्क कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी।